बाय तो आजादी के 70 साल बाद भी एकमात्र कुएं से खींचकर प्यास बुझाने को मजबूर। आजादी के 70 साल बाद भी बायतू विधानसभा के गिरा क्षेत्र में सर्दी के मौसम में भी पानी को लेकर त्राही त्राही मची हुई है। बाड़मेर जिले के बायतू उपखंड के गिरा ग्राम पंचायत के राजस्व गांव खारडा मानपुरा में आजादी के 70 साल बाद भी एकमात्र कुएं से खींचकर पानी निकालकर प्यास बुझाने को मजबूर हैं। ग्रामीण जोगेंद्र सियाग बताते हैं कि हमारे यह कुआ मीठड़ा बैराई के नाम से जाना जाता है। यह बहुत पुराना कुआ है। बुजुर्गों के समय का इस कुएं पर 5 से 10 लोग होने पर ही पानी रस्सी से खींचकर निकाल सकते हैं। इसी तरह उठ रेगिस्तान के जहाज को जोतकर जुगाड़ बनाकर भी इस कुएं से पानी निकालते हैं। कई बार विधायक सहित अधिकारियों से एक मोटर लगाने की मांग की गई, परंतु किसी ने हमारी सुनवाई नहीं की। पानी को लेकर ग्रामीण बहुत परेशान है। इसका जवाब हम इस चुनाव में जरूर देंगे। इसी तरह ग्राम पंचायत खोखसर पूर्व में भी यही हाल है। पानी को लेकर कोई व्यवस्था नहीं है। सियागो का तला खोखसर पूर्व मुख्यालय सहित राजस्व गांव करालिया बेरा में मीठे पानी की क्या बात करें, यहां के ग्रामीणों को खारा पानी भी नसीब नहीं हो रहा है। खोखसर पूर्व में राजकीय माध्यमिक विद्यालय सियागो का तला विद्यालय में भी बच्चों के पीने के लिए पानी नहीं है। इसलिए पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को अपने घर से बस्ते के साथ पानी की बोतलें पानी से भरकर लेकर आना पड़ता है। विद्यालय स्टाफ के लिए भी पीने का पानी एक बड़ी मुसीबत बना हुआ है। कुछ दिन पूर्व इस विद्यालय में एक भामाशाह ने टैंकर डलवाए थे, वह भी पानी अब खत्म हो गया। आपको बता दें कि इसी विद्यालय से अंतर्राष्ट्रीय धावक खेताराम ने अपनी पढ़ाई कर ओलंपिक तक का सफर तय किया है। उनका यह पैतृक गाँव है। इस विद्यालय में पानी के लिए कनेक्शन तक नहीं है। विद्यालय के सामने एक पानी की खेली और टोंटी जरूर बनी हुई है, पर पानी नहीं आता है। बाबूलाल लुखा व भिखाराम बताते हैं कि हमारे आसपास बने दर्जनों जीएलआर सूखे पड़े हैं। इन जीएलआर के पास से गुजरने पर अंदर कबूतरों की घुटकू की बुलंद आवाज सुनाई देती है। वही कई जीएलआर खंडहर में तब्दील हो गए हैं। उनके पास बनी कुंडली रेत से भरी हुई पड़ी है और खंडहर में तब्दील हो गई है। प्रहलादराम करवासरा ने बताया कि यहाँ के क्षेत्रीय विधायक ने पिछले चुनाव में वादा किया था कि मैं पानी नहीं पहुँचाऊंगा तो वापस आपसे मैं वोट मांगने नहीं आऊंगा। यहाँ पानी के नाम पर कोई पुख्ता इंतजाम नहीं हुआ। ग्रामीण महंगे दामों में पानी के टैंकर खरीदकर आज भी डलवाने को मजबूर है। इस ग्राम पंचायत का दूसरा राजस्व गांव करालिया बेरा है। यहाँ बड़ी संख्या में ग्रामीण निवास कर रहे हैं। यहाँ पर भी पानी की बहुत बड़ी किल्लत है। जब उनसे पूछा गया कि क्या आसपास में पानी की कोई सुविधा है, तो ग्रामीण कालू खान मगमलिया ने बताया कि यहाँ पर एकमात्र सार्वजनिक कुएं पर मोटर लगी हुई है, वह भी ज्यादातर खराब ही रहती है। आज भी मौके पर यह मोटर खराब पड़ी है। सभी सार्वजनिक हैंडपंप खराब पड़े हैं। इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर गाय प्यासी मर रही हैं। आसपास वर्षों पुरानी जीएलआर सूखी पड़ी है। पेयजल को लेकर सर्दी के मौसम में भी यह हालात बनी हुई है, तो आगे आने वाले गर्मी के मौसम में क्या होगा। इसी तरह आसपास की ग्राम पंचायतों में पेयजल को लेकर यही हालात बने हुए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्रीय विधायक ने कई ग्राम पंचायतों में 25 साल पुराना उंडू से आने वाला खारा पानी शुरू करके सिर्फ नाम पट्टिका पर चिपकाने का काम किया है। ग्रामीणों के सामने पेयजल को लेकर बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। मीठा पानी आज दिन तक नहीं पहुंचा, खारा पानी भी यहां ग्रामीणों को नसीब नहीं हो रहा है, तो मीठे पानी की क्या आस लगाई जाए। पनावड़ा न्यूज नेटवर्क की रिपोर्ट। खोखसर पूर्व ग्राम पंचायत का ये करालिया बेरा गाँव में पानी के लिए सिर्फ एक ये कुआं है साधन। इसमें श्रीमान विधायक जी ने लगाए हुए 12 महीने हो गए हैं। महीने में 5 बार खराब रहती है। जल विभाग वाले नज़रअंदाज करते हैं, हम फोन मिलाते हैं, हमें कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिलता है। और पूरे गांव के 10 किलोमीटर की दूरी में यही है पानी का साधन। सिर्फ मवेशियों का वगैरह वगैरह घरों में नहाने धोने का सब यही साधन है। और यही भी हफ्ते में 5 दिन खराब रहता है। और बाकी ये होदी पड़ी है 20 साल से, सूखी पड़ी है, कोई पानी आने नहीं आता है। और वो मीठे पानी वाला विधायक जी का जो वादा था वो भी मुझे पूरा होता नहीं दिख रहा है। विधायक जी ने कहा था कि मैं अगली बार पानी दे के ही आपसे वादा करा आऊँगा वोट मांगने, वो भी वादा मुझे पूरा होता दिख नहीं रहा है। वो भी खाली पड़ी है। गायें वगैरह सब तरस मर रही है। पानी की बहुत भारी किल्लत है। इस तंत्र से सब लोग परेशान हैं। और जल विभाग को खूब अवगत कराया पर किसी ने सुना नहीं। तभी